नमस्कार दोस्तों, आरएस कंस्ट्रक्शन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे हमारे शटरिंग वर्क की थर्ड स्टेप के बारे में, जिसमें कि हमारे स्टील की प्लेटें होती हैं शटरिंग की, उनको किस प्रकार से लगाया जाता है इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो देखिए, इससे जो पहली वाली वीडियो हमने जो आपके लिए डाली थी, उसमें हमने आपको बताया था कि जो हमारे बीम रहते हैं उनकी साइडों को किस प्रकार से लगाते हैं। बीम, जैसे कि आपने देखा कि हमारे बीम जा रहे थे, ये हमारे बीम कास्ट बन चुके थे। बीम लगने के बाद हमारा जो शटरिंग की प्लेटें लगनी थी, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये प्लेटें लगने के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे राफ्टर रहते हैं, ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये हमारे राफ्टर हैं। इन राफ्टरों को यहाँ से जो हमारी ये बल्लियाँ रहती हैं, बल्लियों की मदद से इनको खड़ा करा जाता है, और आगे से जो हमारे बीम है, बीम के ऊपर से ये प्लेटों को लगाना स्टार्ट करा जाता है। तो प्लेट बाई प्लेट पहले एक राफ्टर का फ्रेम तैयार करा, उसके बाद ये वाली रो पूरी प्लेट की लगा दी, इसके बाद फिर ये वाले राफ्टर की रो को कंप्लीट करा, फिर इसके बाद यहाँ से वापस से प्लेटें लगा ली। इस तरह करते करते रो बाई रो राफ्टरों को खड़ा करा जाता है लगा के बल्लियों के सहारे से, और बल्लियों के सहारे से लगाने के बाद फिर इसके ऊपर क्या, ये प्लेटों को लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, जो शटरिंग की प्लेटें रहती हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक लगाया जाता है। तो ये देख रहे हैं आप कि जो हमारा ये यहाँ पे शटरिंग का वर्क चल रहा था, ये हमारी थर्ड स्टेप में आके कंप्लीट हो चुका है, और जो इसकी फाइनल स्टेप रहेगी वो हमारी शटरिंग की लेवलिंग की रहेगी। तो फाइनल स्टेप में जो हम क्या करेंगे, जो हमारा शटरिंग का लेवल है उस लेवल को चेक करेंगे, क्योंकि जो हो लेवल को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि जब हमारी छत डलेगी तो वो हमारी शटरिंग के लेवल पे डिपेंड करती है कि हमारी छत ऊंची नीची ना रहे। जितना हमारा शटरिंग का लेवल बिल्कुल प्लेन होगा, हमारी छत भी उतनी ही प्लेन निकलेगी। तो इसलिए शटरिंग का लेवल चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये हमारी शटरिंग लग रही है, आप सामने देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा छज्जा निकाला गया है, वो छज्जे को इसके ऊपर लगाया जा रहा है। तो छज्जे को लगाने के लिए इसकी बल्लियाँ लगा के बॉटम लगाया जा रहा है, जिसके बाद यहाँ पर प्लेट लगा के छज्जे को कुछ इस तरह से लगा दिया जाएगा। आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये बीम बना हुआ है, यहाँ तक हमारा प्लॉट साइज था, यहाँ से फिर हमने ये छज्जा निकाला है सामने की तरफ। तो छज्जा निकाला है, तो यहाँ पे हमने कितने फिट के, 4 फिट के छज्जा निकाला है, आप देख रहे हैं। ये जो प्लेटें रहती है शटरिंग की हमारी, इनका साइज रहता है 3x2, तो 2 फिट चौड़ी रहती है, 3 फिट लंबी रहती है, तो 2 और 2 4, तो 4 फिट का हमारा ये छज्जा सामने की तरफ हमने इसमें निकाल दिया है। तो इस प्रकार से जो शटरिंग का कार्य रहता है हमारा, उसको पूरा करा जाता है। और आप सामने देखेंगे कि इस प्रकार से इसके नीचे बल्लियों का सपोर्ट दिया जाता है, प्रत्येक राफ्टर के नीचे इसमें बल्लियों को लगा के इसका सपोर्ट दिया जाता है। तो आशा करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।